34 दिन पूर्व चुराई गई बाइक का पुलिस नहीं लगा सकी कोई सुराग। खबर है बांसी से, जहां गोरखपुर जोन में जांच मामले में सर्वश्रेष्ठ का पुरस्कार जीतने वाली बांसी कोतवाली पुलिस 13 मार्च को मंगल बाजार से चुराई गई मोटरसाइकिल के लिए लकीर पीट रही है। उधर मोटरसाइकिल मालिक पुलिस द्वारा खुलासे की जानकारी जुटाने के लिए दर दर भटक रहा है। शनिवार 13 अप्रैल शाम 6:30 पर नगर क्षेत्र में रहने वाले अजय उपाध्याय सब्जी खरीदने के उद्देश्य से मंगल बाजार बांसी गए थे। दक्षिणी गेट के पास अपनी यूपी 55S3967 नंबर की मोटरसाइकिल खड़ी करके बाजार के अंदर चले गए। लगभग 20 मिनट बाद वापस आए तो गाड़ी गायब थी। इस बात की सूचना उन्होंने तुरंत थाने पर दी। बकौल अजय उपाध्याय, लगभग आधे घंटे बाद पहुंची पुलिस ने अगर तुरंत कार्रवाई की होती तब गाड़ी मिल सकती थी। उल्लेखनीय है कि आदर्श नगर पालिका बांसी के नगरीय क्षेत्र में दर्जनों सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इन कैमरों के बीच से चोरी करके इतनी दिनों तक बचे रहना एक प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। सीओ के ऑफिस से चंद कदम दूरी पर हुई चोरी में पुलिस के अनुसार धुंधला तस्वीर दिखाई पड़ रहा है, परंतु चोर के लोकेशन पर पुलिस सांत्वना और भरोसा देकर मामले को टाल दे रही है। इस बीच में पेशे से पत्रकार अजय उपाध्याय ने कैबिनेट स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह के आवास से लेकर सीओ और तत्कालीन एडमिशन SP मायाराम वर्मा तक से गाड़ी बरामद कराने का अनुरोध कर चुके हैं। इस बारे में कोतवाली प्रभारी शैलेश कुमार सिंह का कहना है कि पुलिस पूरा ध्यान दे रही है, हमने SOG टीम से बात कर ली है, जल्द ही गाड़ी की बरामदगी की जाएगी। TV इंडिया IT न्यूज चैनल से ब्यूरो चीफ अनुपम पांडे, सिद्धार्थनगर।